हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। सॉरी कि मैं सब इंस्पेक्टर का जो टोटल पोर्शन था वो नहीं करवा सका, एंड ये रीजन था। ये अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो इसकी मेन पट्टी थी वो निकल चुकी है। तो मैथ्स का जो पार्ट आया था मैं उसको कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, अदरवाइज मैं सिंपली बता दूंगा जो सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास डी सीरीज मिली है मुझे, और डी सीरीज में जो 94th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज 7 दिया है, एक्स दिया है, उसके बाद दिया आपके पास 21, 31, अभी लिख पा रहा हूं, और 43। तो इसका ये एक्स मतलब इस जगह पे क्या आएगा, दिस इज व्हाट इज एक्स, ऐसा है ना क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या हो सकता है? अगर आप इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इन दोनों में देखेंगे 12 का डिफरेंस है, 10, 12। इट शोज दैट इसका और इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 का। तो 8, 21 माइनस 8, 13। अगर 13 है तो 13 और 7 का कितना डिफरेंस होना चाहिए, 6 का। तो 6 और 6, 8 यहां लिखता हूं, 6, 8, 10। इस ये सीरीज थी, इस सीरीज में ये नंबर्स जा रहे थे। ओके, सो 13 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली फ्यूल कंजप्शन व्हेन द प्राइस वेंट अप, व्हाट इज द कंजप्शन रिलेशन, दिस इज गिवन इन द टेबल, दैट इज 40, जब प्राइस है पर लीटर, तो उस वक्त वो उसकी कंजप्शन 60 लीटर किया, 50 पे उसकी 48 हो गई, 60 पे 40 हुई, और 75 पे 32 हुई। ये वेरिएशन जो पढ़ते हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहां का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप सभी में देखेंगे 40 × 60, अगर मैं ऐसे लिख के बताऊं आपको, जब प्राइस 40 है, तो ये 60 लीटर ले रहा है, उसके बाद ये 50 पे उसने 48 लिया, उसके बाद 60 पे उसने 40 लिया। फिलहाल आप यहां पर यहां तक ही समझ जाएंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको पूछा है 80 का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 240। सो 240 बाई 80, 8 वन जर 8 3 जर। तो आपको पूछा कितना है, ये 240 नहीं होता, 2400, ये जीरो कैंसिल, तो योर आंसर विल बी 30। ओके, 30 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ओके, उसके बाद इन ए टेस्ट कैंडिडेट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स, 10 क्वेश्चन किए उसने, और हर उन 10 क्वेश्चन में उसने कितने 50% मार्क्स इन ईच क्वेश्चन, सभी में उसको 50% मिले। ओके, 10 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, तो 10 का हाफ उसे मिला। ओके, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चन कितने थे ये पूछा है। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास है, मान लीजिए एक्स है टोटल। ओके, तो उसने कितने किए, 10, पीछे कितने बचे, x-10। ओके, आपको क्वेश्चन में बोला है इसने 10 मार्क्स का स्कोर कितना किया है, कितना लिया है, 50% इसका लिया है, तो टोटल का है वो 25%, उसको जो टोटल मार्क्स मिले वो मिले 25% ऑफ दिस, दैट मींस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स का 25% जो है वो किसके इक्वल है, 50% ऑफ 10। ठीक है,
ठीक है, 10 क्वेश्चंस का जो 50% है वो 25% ऑफ x है, तो मींस 25 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 इंटू 10, तो ये 51s are 2s are 2 1s are 2 5s are 1s are 4s are, x इज इक्वल टू 5, ये 4 उस साइड इंटू 4 दैट इज 20, तो इसमें 20 ऑप्शन है क्या, 20 ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, फादर इज नाइन टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, सभी काम इसी से करना पड़ता है और इसमें ही प्रॉब्लम आया, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू द रिमेनिंग। फादर की एज बच्चे से 9 टाइम्स है, तो फादर बच्चे की एज आप एक्स रख लीजिए, हाँ चाइल्ड की एज एक्स इयर्स, ओके, तो फादर की कितनी हो गई 9 टाइम्स 9x, मदर की लिखा है यहां पे 8 टाइम्स, तो मदर की 8x हो गई। और एक बात बोली है, सम ऑफ फादर एंड मदर्स एज इज 68, इन दोनों का सम 68 है, दैट इज 17x इक्वल टू 68, मीन्स x इक्वल टू 68 बाय 17, 17 वन्स आर 17 फोर्स आर, तो मतलब x क्या है, बच्चे की प्रेजेंट एज है, लेकिन आपको पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ सन, सन की एज क्या है उस वक्त, ओके, तो अगर सन की एज हमारे पास आ रही है, सन की एज 4, ऑप्शन नंबर डी, ओके। उसके बाद दिया आपके पास ए बी सी डी, लोगों के पास कुछ 100 रुपीज है, देखो ए बी सी और डी चार लोग हैं, ए के पास 100 रुपीज है, बी के पास 100 रुपीज है, सी के पास 100 रुपीज है और डी के पास भी 100 रुपीज है। क्वेश्चन ने बोला कि ए पेज रुपीज 20 टू बी, ए ने बी को 20 दिए, बी के पास 120 हो गए, ए के पास 80 हो गए, ओके, बी हु पेज रुपीज 10 टू सी, इसने 10 सी को दिए, सी के पास 110 हो गए, इसके पास भी 110 हो गए, बी के पास भी, हाँ सही है ना, एबीसी हैज 100, ए पेज रुपीज 20 टू बी, हु पेज रुपीज 10 टू सी, उसने 10 सी को दे दिए तो सी के पास 110 हो गए, और अब सी का डी के साथ क्या रिलेशन है, हु गेट्स रुपीज 30 फ्रॉम डी, डी से उसको 30 मिले, इसको डी से भी मिला प्लस 30, इसके पास कितना हो गया अब 140, और इसके पास कितना बचा 70। अब आपके पास पूछा है, ऑप्शन जो दिए हैं कहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहले में बोला है सी इज द रिचेस्ट, देखिए दिख रहा है कि सी रिचेस्ट है 140, उसके नेक्स्ट है आपका राम और अफजल का, राम और अफजल मान लीजिए यहां पे हैं किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है एक ही जगह है ये राम, और दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, ये इधर चला गया 1 किलोमीटर, ये इधर चला गया 1 किलोमीटर, ओके, राम अपना लेफ्ट लेता है, राम का लेफ्ट दिस साइड, तो अफजल राइट लेता है, इसका राइट दिस साइड, ओके, अब 2-2 किलोमीटर चले, उसके बाद इसने राइट लेना है तो नीचे आएगा, इसने लेफ्ट लेना है तो ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पे वो दोबारा मिले, दोबारा मिलने के लिए उनको कितना टाइम लगा, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये चला, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये चला, तो दे बोथ मीट ईच अदर आफ्टर 3 किलोमीटर्स, तो जो भी ऑप्शन है दैट इज राइट, आफ्टर 3 किलोमीटर्स दे मीट ईच अदर, ओके। अगर ये वीडियो लंबी लग रही है, क्योंकि लंबी बनेगी ये, तो इसका रीजन ये है कि आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रेस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क, एक में
1/3 ऑफ द ग्लास मिल्क है, दूसरे में 1/4। टोटल मिल्क कितना हुआ बेटे में 12 एलसीएम, 4 1s are 4, 3 1s are 3, 7/12 ओवरऑल ग्लास भरा हुआ है। अगर ये एक ही में डाले तो 7/12 वो भरा हुआ होना था। अब ये बोल रहे हैं कि उनमें मिल्क डाले, दे आर फिल्ड विद वाटर टिल रिम, उनको फुल करने के लिए हमने बाकी का इनमें पानी डाल दिया। तो इस ग्लास में हमें पानी कितना डालना पड़ेगा, ये 1/3 मिल्क है तो 2/3 पानी डालेंगे तो भरेगा, प्लस इसमें 1/4 मिल्क है तो 3/4 अगर हम वाटर डालेंगे तो भरेगा। मतलब टोटल वाटर हमने कितना डालना है, 12 एलसीएम, 4 2s are 8 एंड 3 3s are 9, दैट इज 17/12। ओके, मतलब पूरे दूध में 17/12 वाटर, 7/12 वाटर है और 17/12 अब पानी है, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। ओके, तो आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंटेंट ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द पॉट। अब उसको किसी और पॉट में डाल रहे हैं हम, तो उसका रेशियो पूछा है। वाटर एंड मिल्क मतलब वाटर पहले लेना है, दैट इज 17/12 is to 7/12, 12 कैंसिल, तो 17:7 इज द राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर फील्ड हैज टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स लीविंग वन ऑफ द साइड ऑफ 20 फीट, एक साइड छोड़नी है, 3 साइड में आपको फेंसिंग करनी है। तो मान लीजिए एक चीज हमारे पास क्लियर हुई है, ये या तो लेंथ है या ब्रेथ है, हमने चारों में से एक को छोड़ देना है। तो इसको मैंने 20 लिया है, ये बाद में लेंथ भी हो सकती है, ये बाद में देखते हैं। ये 20 है, इसको हमने एक तरफ से फेंस नहीं करना है। ओके, लेकिन ये 20 है, इसको हम एक्स मानते हैं, राइट। हमारे पास आगे क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ द फील्ड इज 680 square feet, एरिया दिया है सर। तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद था, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 680 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 680 upon 20, 2 1s are 2 3s are 4s are 34 meter है सर ये साइड, एक्स कितना मिला हमें 34, ये भी 34 है और ये साइड 20 है। तो हमें उसे क्या करना है, हाउ मेनी फीट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड, वी आर गोइंग टू फेंसिंग इट ओनली वंस, तो ये साइड नहीं करनी है, इन तीनों साइड्स का सम, दैट इज 34 प्लस 34 प्लस 20, 88 इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद है आपके पास, ए लार्ज फील्ड ऑफ 7 हेक्टर्स इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 700 हेक्टर्स फील्ड है, उसको दो हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। तो आगे लिखा है कि द डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस दिया है। उसके बाद है आपके पास, ए लार्ज फील्ड ऑफ 7 हेक्टर्स इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 700 हेक्टर्स फील्ड है, उसको दो हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। तो आगे लिखा है कि द डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस दिया है। मान लो एक पार्ट एक्स है और इसको स्मॉलर पार्ट भी ले लो आप, स्मॉलर पार्ट इज एक्स, तो लार्जर पार्ट विल बी 700 माइनस एक्स, एक एरिया अगर एक्स है तो दूसरा एरिया होगा 700 माइनस एक्स। ओके, अब आपके पास आगे दिया है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मीन्स दिस इज बिगर एरिया, लार्जर एरिया,
तो लार्ज डिफरेंस मीन्स लार्जर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया. 700 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द एवरेज ऑफ द टू. 1/5 ऑफ द एवरेज ऑफ टू. एवरेज होता है जो दो है उनका सम डिवाइडेड बाय टू. ये बना 700 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो गए. 700 डिवाइडेड बाय 2 350 मीन्स 570. ये इस साइड लेके आओ. 700 प्लस 70 इक्वल टू 2x. एक्स उधर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लो और ऐड भी कर लो. हाँ, ये 770 था, इसको मैं इतनी 770 कर देता हूं. 770 इज इक्वल टू 2x, सो x विल बी 3 × 2 = 6. 1 बचा 17, 385. ऑप्शन में है क्या? 385 हेक्टर्स. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. ओके, देन टू स्टेशन P एंड Q आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. ये दो स्टेशन एक दूसरे से कितना दूर हैं? 110 किलोमीटर. मान लीजिए ये P है, ये Q है, बीच का डिस्टेंस जो है 110 किलोमीटर. ओके, अब यहां से 7 बजे एक ट्रेन चल रही है इस तरफ, यहां से 8 बजे, हाँ, यहां से 8 AM और यहां से 7 AM को ट्रेन चल रही है. दे आर मीटिंग एट सर्टन पॉइंट. किसी पॉइंट पे वो मिल रही है आपस में और पूछा है कि कितने बजे मिल रही है. जो यहां से ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 20 km/h और यहां से जो चल रही है 25 km/h, राइट? तो वो मिल रही है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, तो कितने बजे वो आपस में मिलेंगे? क्या क्या है? डिस्टेंस दिया, टोटल डिस्टेंस. तो इनका डिस्टेंस फाइंड कीजिए, इनका डिस्टेंस फाइंड कीजिए. मान लीजिए इसने टोटल टाइम लिया मिलने में एक्स आर्स, आर्स में बात कर रहे हैं, कितना टाइम लिया? एक्स आर्स. तो इसने कितना लिया होगा? एक्स प्लस वन आर. क्यों? क्योंकि जब ये मिली तब तक जो इसने टाइम लिया था उससे 1 घंटा ज्यादा इसने लिया था, क्योंकि ये 7 बजे निकली है, 1 घंटा पहले निकली है. ओके, तो इसका डिस्टेंस बन रहा है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम. सो स्पीड 20 × x + 1 और इसका डिस्टेंस बन रहा है स्पीड इंटू टाइम 25 × x. अब ये इन्होंने जो टोटल ट्रेवल किया वो कितना है? 110 किलोमीटर. ओके, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस. दोनों जब मिली तो उनका टोटल डिस्टेंस कवर हो गया, राइट? दोनों ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया. सो ये 20x + 20 + 25x = 110 किलोमीटर. सो दिस इज 45x = 20, उधर लिया तो 90 बना. सो x = 2. मतलब 2 घंटे इसके लिए लगे, 8 AM को चलने वाले को और 7 AM को चलने वाले को x + 2, 3 hours. तो मतलब 8 में 2 ऐड करो या 7 में 3 ऐड करो. तो ऑप्शन नंबर 7 बजे निकले थे, तो ऑप्शन नंबर किसका फोन आ सकता था सर? अभी अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन. सो इसमें ऑप्शन है 10 AM, तो 10 AM इज राइट, जो ए पहला ऑप्शन जो है. क्लियर सर? उसके बाद आपके पास राहुल वेंट टू ए शॉप एंड बॉट थिंग्स विद वर्थ ₹25, आउट ऑफ विच 30 पैसे. ये 30 भी लग रहा है, 80 भी लग रहा है, 30 ही है. ओके, 30 पैसे उसने क्या किया? 30 पैसे उसे टैक्स लगा और रेट ऑफ टैक्स था 6%. तो बोलिए
बोलिए व्हाट वाज द टोटल अमाउंट दैट राहुल पेड फॉर टैक्सेबल आइटम, टैक्सेबल आइटम के लिए कितना उसको, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन ये है राहुल पेड फॉर टैक्सेबल आइटम, ये थोड़ी सी बात नहीं बन रही है। ऊपर साफ साफ दिया है कि 30 पैसे ही हैज पेड एज टैक्स, तो एक्चुअली यहां पे होना चाहिए था कि व्हाट अमाउंट वाज देयर फॉर विच ही हैज पेड द टैक्स, ऐसा होना चाहिए था। तो लेकिन इनका मतलब यही है क्वेश्चन का, करना आपको उस तरह से होगा पेड फॉर द टैक्सेबल आइटम अमाउंट दैट, हाँ क्वेश्चन में है थोड़ा सा, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर, डिफरेंस है इसमें, यहां पे होना चाहिए था व्हाट अमाउंट राहुल पेड, नहीं होना चाहिए था व्हाट वाज द अमाउंट फॉर विच ही पेड टैक्स, ठीक है, वो कितना, कितने रुपीज थे जिसके लिए उसने 30 पैसे टैक्स दिया, तो उसने कितना, कैसे टैक्स कितना दिया उसने, हम मानते हैं कि वो जो अमाउंट था जिस अमाउंट पे उसने टैक्स भरा, मान लीजिए वो अमाउंट है आपका एक्स रुपीज में बात कर रहा हूं मैं, तो ऑन एक्स रुपीज ही पेड हाउ मच, 6% ना, 6%, दैट मीन 6% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 पैसा, 30 पैसा को भी मैं रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 30 × 100, ओके अंडरस्टूड, 30 वाज पैसे, तो इसको कन्वर्ट किया मैंने रुपीज में, क्योंकि हम यहां पे रुपीज में एक्स को रुपीज में मान रहे हैं, तो एक्स विल बी देन 30 upon 100 × 100 upon 6, 100 कैंसल, 6 × 1 = 6, 5 = सो एक्स इक्वल टू रुपीज 5, ओके, तो 5 रुपीज पे उसे टैक्स देना पड़ा, जो कि कितना टैक्स दिया उसने, 30 पैसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस, उसके पास कुछ ऑरेंजेस थे जिनमें से उसने 40% बेच डाले, ही सेल्स 40% एंड स्टिल, अब उसके पास जो बचे, देखो 40% उसने बेचे तो मतलब उसके पास कितने बचे, 60%, मान लीजिए उसके पास टोटल जो थे स्टार्टिंग में, तो मान लीजिए वो एक्स थे, इधर कर लेता हूं, तो उसके पास 60% बचे हैं, दैट इज 60/100 ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितने बचे उसके पास, 420, एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू 420 × 100/60, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 6 × 1 = 6, 7 × 7 = 700, सो टोटल उस आदमी के पास ऑरेंजेस थे 700 ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन इज राइट, ओके। अच्छा, एक्यूरेट क्लॉक, एंड एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग एंड थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज, कितने डिग्री से वो रोटेट की होगी टू रीच 2 o'clock, तो ये सिंपल है, अगर आपने वॉच के कुछ भी क्वेश्चंस किए होंगे, क्लॉक के कुछ भी क्वेश्चन किए होंगे, तो मान लीजिए ये क्लॉक है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 थोड़ा इधर, 7, 8, 9, 10, 11, अभी स्टार्टिंग में हमारी हैंड आवर पूछी है, हैंड आवर कहां पे है, 2 पे है, दिस इज 2, 12, ओके ओके। अब इसमें बोला है कि वो कितना रोटेट की 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, एग्जैक्ट 2, मतलब मिनट हैंड से आपको कुछ नहीं लेना है, से 8, 2 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज 8, तो यहां से देखिए कितना चली वो, ये 5 मिनट, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 5, 5 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाफ ऑफ द सर्कल, इट हैज कंप्लीटेड हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल इज 180 डिग्री, हाउ मच, 180 डिग्री, ओके। ये कैसे होता है, तो देख 2 से 8 तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने मिनट्स कवर किए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट्स,
30 मिनट्स। सर जी 5 मिनट्स का जो टाइम होता है उसमें और हैंड को 6 डिग्री चलना पड़ता है, तो टोटल कितना चली वो 6 इंटू दिस 30 इंटू 6 डिग्री है, तो दिस बिकम्स 180 डिग्री। 30 मिनट में वो कितना चली 180 डिग्री। 180 डिग्री ऑप्शन है, हाँ, वेयर इज इट, 180 ऑप्शन नंबर सी, ओके। उसके बाद एवरेज ऑफ 20 नॉन जीरो नंबर्स इज जीरो। नॉन जीरो नंबर्स मींस दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी पॉजिटिव, ओके, और उसमें से कितने भी हो सकते हैं पॉजिटिव और कितने भी नेगेटिव। ऑफ देम हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन जीरो, इसमें कितने जीरो से बड़े हो सकते हैं एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो ऑप्शन में जीरो, एक भी ना हो ऐसा नहीं। देखो अगर हमारा एवरेज जीरो आ रहा है तो मतलब जो वो नंबर्स हैं उनका सम जीरो आना चाहिए, उनका सम जीरो आना चाहिए के लिए कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे, ओके। अब जो नेगेटिव पॉजिटिव कितने होंगे वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा, हमें पूछे मैक्सिमम, तो अगर आप ग्रेटर देन पूछे ना, तो मान लो हम 10 के 10 को कितने टोटल कितने हैं 20 नॉन जीरो, 20 है ना टोटल, तो 20 के 20 को हम ग्रेटर देन लेते हैं अगर, तो एवरेज जीरो नहीं आ सकती है। लेकिन अगर हम 19 को ग्रेटर देन जीरो लें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19 इस तरह कोई भी 19 नंबर्स लिए हमने, तो उन 19 नंबर का सम जितना बनता है ना उतना एक नेगेटिव ले लो, एक ही नंबर ले लो नेगेटिव, 19 को पॉजिटिव ले लो, उनको ऐड करो, उनका जो सम बनता है वो एक नंबर नेगेटिव ले लीजिए। अब क्या होगा कि उनका सम जीरो हो गया, सो 19 इज द करेक्ट आंसर, समझ लिए। जिसमें और भी डाउट रहेगी तो एक दो दिन के बाद भी अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन चाहोगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्योंकि आज ही मुझे पेपर मिला तो कम से कम मैथ्स का तो मैं डाल सकता था अभी, ओके, बहुत जैसे कैसे भी। देन आपका क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर, 5 मीटर लंबी आपकी एक लैडर है सीढ़ी, उसको आपने किसी दीवार पे लटकाया रहेगा, तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वॉल। ये वॉल है, ये लैडर है, ये एंगल 45 बन रहा है और ये डिस्टेंस दिया, आई होप 40, दिस इज हाफ फुट लैडर 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, ये 3 मीटर दूर है। देखिए सर ये 90 डिग्री एंगल होता है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 45 है तो इसके सामने वाली साइड उतनी होती है जितनी इसके सामने वाली होगी, मीन्स दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, वॉल की हाइट भी यहां तक जहां तक ये लैडर है तो दैट इज ऑल्सो 3 मीटर। आइसोसेलिस ट्राइंगल बनी, इसमें साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या एंगल्स इक्वल टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके, सो इट विल बी 3 मीटर, क्लियर सर। देन पी इज एबल टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने डाला था, बाकी क्वेश्चंस के मिलते जुलते जैसे भी डाले रहेंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन डाला था मैंने, तो ये तो सबका राइट होना चाहिए जिसने भी मेरा वीडियो देखा है तो, ओके। पी एक काम को 15 डेज में करता है और क्यू करता है 20 डेज में, तो मैंने आपको क्या कहा था, इनके रेसिप्रोकल को ऐड कर दीजिए, 1/15 प्लस 1/20, ये है उन दोनों का मिलके काम करने का तरीका, 60 LCM हाउ मेनी 4 से और ये 3 से, तो 7/60 ऑफ द जॉब इज डन इन 1 डे बाय बोथ, लेकिन वो 4 दिन एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4
7 by 15 ऑफ द वर्क दे हैव डन इन 4 days. रिमेंबर 7 by 15 ऑफ द वर्क दे हैव डन इन 4 days का मतलब ये नहीं कि आगे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, कितना काम बचा, काम कितना बचा, तो कितना 7 15 कर लिया तो बचा क्या 1 minus this, तो दैट इज 8 by 15. सो वर्क लेफ्ट इज 8 by 15. अगर किसी ने यह पूछना हो 8 by 15 कैसे आया, तो 1 में से पूरा काम हमने बोला है कि 1 जब वो कंप्लीट करेंगे, मतलब वो जो पूरा काम था एक वो खत्म कर लिया, तो 7 by 15 उन्होंने खत्म किया 4 days में, तो काम जो बचा है पीछे 8 by 15 बचा है. ओके उसके बाद 8 by 15 आपका ऑप्शन नंबर ए है. उसके बाद सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर इज 60 years. अभी बच्चे की और बच्चे के पापा की एज है 60 साल. तो आप क्या कीजिए इसमें, बच्चे की एज को एक्स मानिए तो फादर की एज होगी 60 minus x. ओके उसके बाद बोला है 6 years ago, 6 साल पहले, 6 साल पहले था. सर इसकी एज होगी एक्स माइनस सिक्स, इसकी एज होगी 60 minus x minus 6, दैट इज 54 minus x इसकी एज. क्वेश्चन ने बोला है कि उस वक्त क्या होगा, ही वॉज 5 times older, वो 5 times older था, दैट इज 5 times of this इज इक्वल टू दिस. बच्चे की एज को 5 times से करोगे तो बाप के एज के बराबर होना था उस वक्त, दैट इज 5x minus 30 equal to 54 minus x. तो x की साइड लेके आओ, 5x plus x equal to 54 plus 30, 6x equal to 84, x equal to 84 by 6, 6 ones are 6, 4 are. So x is 14. बच्चे की प्रेजेंट एज 14 years है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर 6 year what will be son's age? 6 साल के बाद बच्चे की एज क्या होगी जिसकी अभी 14 है, तो 6 साल के बाद क्या होगी, राइट 20 years उसकी एज 6 साल के बाद होगी. ओके एंड इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन समर ओलंपिक्स, तो ये अभी ये वाले मैं नहीं डिस्कस करूंगा, सॉरी कि मैं नहीं कर सका पूरा, आगे जो भी एग्जाम्स होंगे आई विल ट्राई, बस जल्दी से जल्दी ये हील हो जाए. ओके एंड विश यू ऑल द